अपना लेना।
हरिलाल की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवाचारि गौर भक्त वृंद।
हरि बोल हरे कृष्ण बोलो श्री वृंदावन हरिलाल की। अभी हम जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे किस किस को बोलना आता है बच्चों, तुम लोग को याद है? आपको याद है? आगे सबसे आगे आपका क्या नाम है? वैष्णवी। वेरी नाइस। आपको आता है हरे कृष्ण बोलना? इसको तो आता है बचपन से। देखो भगवान का नाम, भगवान का नाम बताया है मंगल भवनम अमंगल हारम। हरे बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो भगवान का नाम बताया शास्त्र में मंगल भवनम अमंगल हारम। आप देखो इस जड़ जगत में प्राय सभी लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। भगवान ने गीता में इस संसार को बताया दुखालयम अशाश्वतम, है ना। तो इसीलिए जिस जगत में हम हैं वो स्थान रहने के लिए नहीं है, ये संसार नहीं है रहने को, या दुख ही दुख है सहने को, क्योंकि भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे हम किसी लाइब्रेरी में जाए, लाइब्रेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तकालय, है ना। पुस्तकालय में अगर हम जाए तो वहां क्या मिलेगी? बुक्स मिलेंगी, है ना, पुस्तक मिलेंगी। अगर हम कहीं जाए हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में, तो वहां क्या होगी? चिकित्सा होगी। ऐसे ही भगवान गीता में कहते हैं ये संसार क्या है, ये दुखालय है। दुखालय मीन्स जहां पर दुख हमें मिलेंगे, है ना। तो न क्वेश्चन कम सब की क्या है, हम खुशी नहीं रह सकते? हम तो भैया सुख, हम चाहते ना सब सुखी रहना, मजे में रहना, कि कोई भी चाहता है दुखी रहना, सब लोग चाहते हैं खुश रहना सुखी रहना। तो कहते हैं सुख मिलेगा कैसे, मंगलमय होगा कैसे हमारा जीवन? कहते हैं इस हरि नाम से। ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसको बतलाया। ये कलयुग का महामंत्र, कलयुग का महामंत्र है, मंत्र नहीं महामंत्र। जैसे एक होता है राजा और एक होता है महाराज, महाराज के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती, महाराज की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, महाराज स्वतंत्र होते हैं। सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जो पीछे लोग आएंगे ना वो बैठ पाएंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठ जाइए। तो ये इसको बतलाया ये कलयुग का महामंत्र, मंत्र नहीं महामंत्र। मतलब इसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन से परे है, है ना, क्योंकि महामंत्र है। जैसे कलयुग के जीवों की स्थिति बताइए, बड़ी ही दयनीय है। हम लोग की सिचुएशन देख लो, सतयुग के अंदर लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे। आपने हिरण्यकश्यपु का नाम सुना है? हिरण्यकश्यपु बच्चों ने सुना है, प्रहलाद महाराज की स्टोरीज आती है ना बुक्स में। तो हिरण्यकश्यपु उनके पिताजी थे, उन्होंने क्या किया था, 60,000 सालों तक तपस्या करी थी। कितने? 60,000। उस समय पर लोगों की एज होती थी 1,00,000 साल, सतयुग की बात है। तो इसलिए 60,000 साल तक तपस्या कर ली, है ना। उसके बाद में आया त्रेता युग, त्रेता युग के अंदर लोगों की एज घट गई, 1,00,000 से हो गई, 10 हट गया, 10,000 साल एज हो गई, 10,000 साल एज हो गई। उसी समय पर लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, यज्ञ करते थे। सुना होगा ना भगवान राम, उनका जन्म से पहले दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, उससे भगवान राम का जन्म हुआ, है ना। तो उस समय पर लोग यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते थे। लेकिन आया जब द्वापर युग, तो एज और भी कम हो गई, 10,000 से 1,000। उस समय पर लोग भगवान की पूजा अर्चना करते थे, भगवान को धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान की पूजा करते थे, उससे भगवान संतुष्ट होते थे। अभी जब जैसे कलयुग आया है, कलयुग के अंदर लोगों की आयु और कम हो गई, और एक जीरो हट गया, 100 साल की आयु बताते हैं कलयुग के अंदर। लेकिन अभी जब जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, लोगों की एज 100 साल भी नहीं रह गई है, कोई 70-80 साल यदि जी जाए तो बहुत हो गया उन्हें, है ना। सेंचुरी तो पार करना बड़ा मुश्किल किसी के लिए हो जा रहा है कलयुग के अंदर, क्योंकि इतना पॉल्यूशन,
इतनी सारी मिलावट, कोई चीज शुद्ध नहीं है, लोगों का खान पीन, परिवेश, सब चीज ऐसा दूषित हो गया है कि परमायु घट गई है। और तप पर भी साधन यदि देखें, 60,000 साल जो तपस्या सतयुग में होती थी, हिरण्यकश्यपु ने करी थी, क्या आज के समय पर कोई तपस्या कर सकता है? बड़ा मुश्किल है। तपस्या के लिए देखो, मन एकाग्र चित्त होना चाहिए, शांत मन होना चाहिए। आजकल सबका मन अशांत है, कॉन्सेंट्रेशन पावर सबकी इतनी कम हो गई है। मन अगर स्थिर रहे तब जाकर किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, अभी के लिए संभव ही नहीं है। अगर बोलो यज्ञ करना है, त्रेता युग की तरह यज्ञ करना है, तो यज्ञ के सामने बैठना भी बड़ा मुश्किल बात। सामने से आग की लपटें उठ रही हो, उसमें स्वाहा स्वाहा करके घी दो, अगर 1 घंटा भी, जैसे मैंने देखा है शादियों में, पहले जब शादी होती थी ना, लोग पुजारी जी को पैसा देते थे साइड में, बोले पंडित जी जल्दी जल्दी फेरे करवा देना। ये है तो क्योंकि लोगों को इतनी स्थिर मन ही नहीं है, यज्ञ कुंड के सामने बैठकर, अग्नि के सामने बैठकर यज्ञ करने की क्षमता भी नहीं रह गई है ना। अगर द्वापर युग के समान पूजा अर्चना की बात करें तो वो भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कहां से धूप, दीप, घी, शहद, बूरा, सारा सब सामग्री एकत्रित करो, भगवान की पूजा अर्चना करो, वो भी बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमारी पतित अवस्था को देखकर भगवान ने क्या किया, बड़ा सिंपल सोल्यूशन निकाल दिया। क्योंकि देखो, जब तक भगवान को, भगवान की पूजा नहीं करोगे जब तब तक सुखी नहीं रह सकते। भगवान के चरणों में ही सुख है, शांति है, तो उनको, उनकी सेवा, पूजा, उनकी अर्चना तो करनी पड़ेगी। तो किस प्रोसेस से करें? बोला ये महामंत्र, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, है ना। कलयुग के अंदर भगवान ने यज्ञ, तपस्या, दान इत्यादि नहीं रखे, केवल मात्र ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप यदि हम करें तो हमें सुख प्राप्ति होगी। इस दुखालय में भी हम भगवान के नाम का जप करते करते सुखी हो पाएंगे, है ना। इसलिए इसके अंदर देखो 3 शब्द है, हरे कृष्ण और राम, है ना। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग नहीं बोल पाए थे किसी कारण से, एक बार वापस से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी का कुछ पैसा खर्च हुआ बताओ, मैं पे कर दूंगा। किसी का कुछ घाटा हुआ है क्या? भगवान का नाम इतना सहज है, इतना सरल है ना। इसके अंदर देखो 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। आप देखो हरे शब्द का, हरे जो शब्द है ना, वो बना है हरि से। भगवान का एक नाम है हरि, हरि मतलब जो सारे दुख कष्ट को हरण कर ले, उन हरि से बना हरे। हरे मतलब भगवान कृष्ण का नाम है जो हमारे सारे दुख कष्ट हरण कर लेंगे, है ना। बाद में आया कृष्ण, कृष्ण ये संस्कृत वर्ड है। देखो कृष्ण का क्या मतलब है, ये 2 शब्दों से बना है, क्री और स्न। क्री मतलब हमारा मन बड़ा चंचल है, तो ये क्या करेगा, हमारे चंचल मन को आकर्षित कर लेता है। क्री मतलब कर्षति इति कृष्ण, जो हमारे मन को आकर्षित कर ले, आकर्षित करके क्या करे, स्न, स्न मतलब आनंद प्रदान करे, है ना। हमारे मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए, हमारा दिमाग, हमारा मन जो है कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट इसको चाहिए। तो क्या करेगा ये कृष्ण, ये कृष्ण हमारे मन को आकर्षित करके उसको आनंद प्रदान करेगा। सब लोग आनंद में ही तो रहना चाहते हैं ना, जीवन में सब चाहते हैं सुखी रहें, तो कृष्ण। और तीसरा शब्द है राम, तीसरा शब्द है राम। थोड़ा आगे आगे हो जाओ आप लोग, आ जाओ, पीछे वाले लोग जो आ रहे हैं फिर बैठ पाएंगे। बच्चों उधर से थोड़ा आगे आगे हो जाओ आप लोग सारे। ठीक है बैठ जाओ, जो जहां जिसे जहां जगह मिल रही वहीं पर बैठ जाओ, सेटल हो जाओ जल्दी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए ये कलयुग के अंदर ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इस तीसरा शब्द बताया राम, राम मतलब जो हमें जीवन में आराम दे। आप देखो हम यही तो चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे दुख कष्ट दूर हो जाए, हम हरि हमारे दुख कष्ट को हरण कर ले, हमारा जो चंचल मन है उस चंचल मन को शांति मिले, उसको आनंद प्राप्त हो और हम जीवन में आराम मिले, यही तो हम चाहते हैं ना। इसीलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र यदि हम जप करेंगे तो उससे हमें ये 3 चीज प्राप्त होगी। और विशेष करके ये कलयुग के अंदर भगवान ने इसके अंदर कोई नियम भी नहीं रखा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो पूजा अर्चना करनी हो, ठाकुर जी की और कुछ सेवा करनी हो, तो शुद्धि रखनी पड़ती है, स्नान इत्यादि करोगे उसके बाद में करना पड़ेगा।
लेकिन कलयुग के अंदर कोई नियम नहीं रखा भगवान ने, हरि नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। शुद्ध अशुद्ध अवस्था में कभी भी भगवान का नाम जप कर सकते हो। इसलिए कहते हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। भगवान ने काल का कुछ विचार ही नहीं रखा कि भैया सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में करना या संध्या के समय पर करना, है ना, कोई कंडीशन नहीं रखी। जब तुम्हें समय हो, जब भी तुम्हें समय हो उसी समय पर भगवान का नाम जप करो, है ना। और ये भी नहीं कहा कि तुम्हें इसको करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। सुलभ है भगवान का नाम, बड़ा सहज है ना। इसलिए बतला रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा। अगर हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए हम भजन करेंगे तो अनायास से इस भवसागर को पार हो जाएंगे। और भगवान का नाम यद्यपि मंगल ही मंगल है, लेकिन कहते हैं अगर कोई एक बार भी भगवान का नाम जप करे, भगवान का एक कृष्ण नाम में भी इतनी शक्ति है कि हमारे सारे पापों को दूर कर सकता है। आप देखो हमें दुख कष्ट जो मिलते हैं किस लिए मिलते हैं, पूर्व पूर्व जन्मों के हमारे पाप हैं उसी के कारण। तो एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि सारे पापों को दूर कर सकता है। एक स्टोरी में सुनाता हूँ, आप समझने की चेष्टा करना। एक समय पर दो भाई थे, एक भाई तो बड़ा ठाकुर जी का भजन करता था, दूसरा थोड़ा नास्तिक था, भगवान का भजन वजन कुछ नहीं करता था। अब ये जो भजन करता था उसके मन में इच्छा हुई कि मैं अपने भाई को भी थोड़ा भजन में लगाऊं, गुरुजी को घर पे बुलाता हूँ, गुरुजी तो होगा इनको समझाएंगे, समझेंगे तो तब जाकर हो सकता है भगवान का भजन में लग जाए, है ना। उसने क्या किया, गुरुजी को घर पे आमंत्रित किया, आमंत्रित किया, गुरुदेव आएंगे सत्संग करेंगे। अभी जैसे ही इसे पता चला कि घर में गुरुजी आने वाले हैं, इसने क्या किया, बोले गुरुजी मुझे समझाएंगे कब, मैं उनसे मिलूंगा तभी तो समझाएंगे। बोले मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं, मैं मिलूंगा ही नहीं। उसने क्या किया, गुरुजी जैसे आने वाले थे उससे पहले ही घर में एक एक रूम में जाके उसको लॉक करके बैठ गया, है ना। गुरुजी आए, घर में सत्संग हुआ, अपेक्षा कर रहे थे कि वो लड़का निकल के बाहर आएगा उसका भाई, लेकिन वो तो बाहर ही नहीं आया। अभी गुरुजी जब अंत समय में जाने वाले थे, उसने कहा कि गुरुजी जिस उद्देश्य से आप आए थे मेरे भाई को समझाने के लिए, वो तो हुआ ही नहीं, मेरा भाई तो अपने घर में ही कमरे में लॉक करके बैठा हुआ है, आप उसे थोड़ा सा समझाओ तो सही। बोले ठीक है, उसे बुलाया, बोले बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम बाहर आओ। वो कह रहा कि नहीं मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। बोले तुम एक बार बाहर तो आओ। बोले नहीं मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलूंगा। अच्छा चलो बाहर मत आओ, तुम एक बार कृष्ण नाम तो बोलो। वो अंदर से कहता कि नहीं मैं कृष्ण नहीं बोलूंगा, मैं कृष्ण नहीं बोलूंगा। गुरुजी कहने लगे कि बेटा अब तो तूने कृष्ण बोल ही दिया, कम से कम अब तो बाहर आ जा। ठीक है, उसने दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर आया, गुरुजी ने उसे समझाया, देखो तुमने आज जो सदगुरु के मुख से श्रवण करके एक बार कृष्ण नाम लिया है, इस कृष्ण नाम से ही तुम्हें सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। ये कृष्ण नाम तुम बेचना मत, बेचना मतलब इसके विनिमय में कुछ मत लेना। आज जो तुमने सदगुरु के मुख से श्रवण करके एक कृष्ण नाम लिया है, ये कृष्ण नाम ही पर्याप्त है तुम्हारे को सर्व सिद्धि प्रदान करने के लिए। ठीक है, गुरुजी की बात सुन ली। अभी उस व्यक्ति का जब अंतिम समय आया, अंतिम समय हो गए तो उसकी मृत्यु हुई, यमदूत लेकर गए यमराज के पास में, उससे खाता खोला उसका, चित्रगुप्त ने खाता खोला। चित्रगुप्त कौन है, जो चित्रगुप्त हमारा सीए है चित्रगुप्त सारा बही खाता मेंटेन करता है, किसने कितने पाप किए कितने पुण्य किए, है ना, सारी बैलेंस शीट है उनके पास में। तो चित्रगुप्त ने उसका सारी रिकॉर्ड्स निकाले, यमराज को बताया, बोले इसने तो पूरे जीवन कोई भी अच्छा काम किया नहीं, पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं। बोले देखो देखो कुछ तो अच्छा काम किया होगा। बोले नहीं, पूरा जीवन इसका पाप में ही निकला है, कभी भगवान का भजन किया नहीं, इसको तो नरक भोगना पड़ेगा। फिर खोजते खोजते कहीं भी मिला कि अच्छा हाँ, एक बार इनके घर में गुरुजी आए थे और उनसे इसने एक कृष्ण नाम उनके मुख से श्रवण करके और एक बार कृष्ण बोला था। अभी यमराज सोचने लग गए कि एक बार कृष्ण नाम बोला है उसका क्या फल इसे प्रदान करें। उससे पूछा, बोले तुम जो दुख तुमने पूरे जीवन पाप किए हैं उससे तुम्हें नरक भोग मिलेगा, क्या नरक पहले भोगना चाहते हो ना एक कृष्ण नाम का जो फल है वो चाहते हो। बोले मुझे पहले एक कृष्ण नाम का फल दे दो, नरक तो मुझे जाना ही है तो, लेकिन पहले एक बार कृष्ण नाम का क्या फल है वो ही दे दो। अभी यमराज सोचने लगे कि एक कृष्ण नाम का क्या फल है, क्योंकि नाम की इतनी महिमा है, हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। आप देखो जिस समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम को पुल की आवश्यकता पड़ी, उसी समुद्र को हनुमान जी ने कैसे पार किया था, जय श्री राम, एक बार बस राम नाम लिया और उस समुद्र को पार कर गए,
किसके? भगवान के नाम के बल पे, है ना। हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम। जब भरी सभा के अंदर द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस समय पर हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी। एक बार कृष्ण को ही तो बुलाया था, है ना, और कृष्ण वहां पर तत्क्षण वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। यमराज जी चक्कर में पड़ गए कि भैया एक कृष्ण नाम का क्या फल है, मुझे तो पता नहीं। उन्होंने सोचा चलो हम जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। अभी ये व्यक्ति बोलने लगा कि बोले मैं नहीं जाऊंगा ब्रह्मा जी के पास में, अगर लेना लेकर जाना हो तो मुझे पालकी पे लेकर चलो। ठीक है, यमराज और चित्रगुप्त ये दोनों ने क्या किया, पालकी सजाई, दोनों पालकी में ढोके इस व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं सत्य लोग ब्रह्मा जी के पास में। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि यमराज और चित्रगुप्त किसको लेकर आ रहे हैं, आरती का थाला सजा के रेडी कर दिया। बोले भैया लगता है कोई पुण्य आत्मा आ रही है, महापुरुष आ रहे हैं, इनकी तो आरती उतारनी पड़ेगी। जैसे आरती का थाला लेकर आगे आ रहे थे यमराज जी कहने लगे, बोले क्या कर रहे हो, ये आरती उतारने लायक नहीं है, बड़ी पाप आत्मा है, पूरे जीवन इसने पाप किया, फिर तुम इसे कंधे ऐसे उठा करके लेकर आ रहे हो पालकी में। बोले इसने तो हमें फंसा दिया, हमें पता नहीं एक कृष्ण नाम का क्या फल है, आप ही बता दो। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, बोले एक कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम का क्या फल है ये तो। उन्होंने भी सारे वेद पुराण सब खोलने लगे, उन्हें भी विदित नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो हम जाएंगे शंकर जी के पास में। शंकर जी के पास में अभी जाने लगा, अभी क्या हुआ है, ब्रह्मा जी चित्रगुप्त और यमराज तीनों लग गए पालकी में और उसे लेकर जा रहे कहाँ, शिव जी के पास में। अभी पहुंचे कैलाश, शिव जी से पूछ रहे हैं भैया शिव जी आप ही बताओ एक कृष्ण नाम का क्या फल है। उन्हें भी पता नहीं, वे भी यद्यपि पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, भगवान शंकर भी अपने पंचमुखों से भगवान नाम के कीर्तन करते हैं, है ना। इसलिए गोस्वामी जी बड़े सुंदर रूप में कहते हैं महामंत्र जेई जपत महेशा काशी मुकति हेतु उपदेशा। महामंत्र जेई जपत महेशा, कृष्ण भगवान शंकर भी क्या करते हैं इसी महामंत्र का जप करते हैं, है ना। तो शंकर जी भी चक्कर में पड़ गए, भैया इसका क्या फल है, मैं तो खुद विचार नहीं कर पा रहा। बोले ठीक है आपको नहीं पता तो आप भी लग जाओ पालकी में। अभी शंकर जी यमराज चित्रगुप्त और ब्रह्मा चारों उस व्यक्ति को पालकी में लेकर जा रहे हैं कहाँ, भगवान विष्णु के पास में। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे हैं प्रभु ने देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और उनसे जब शंकर जी प्रश्न करने लगे कि एक कृष्ण नाम का फल हमको बता दो, बोले तुम जिस व्यक्ति को लेकर आए हो ना उसे ले आओ, उसे मेरी गोद में बिठा दो। बोले आपकी गोद में बिठा दो? बोले हाँ, एक कृष्ण नाम का फल जानना चाहते थे ना, एक कृष्ण नाम का यही फल है। एक कृष्ण नाम यदि किसी सदगुरु के मुख से श्रवण करके किसी ने एक बार भी कृष्ण नाम लिया हो तो उसे क्या होगा, स्वयं ब्रह्मा स्वयं शंकर स्वयं चित्रगुप्त और यमराज उसको पालकी में लेकर आएंगे और उसे स्थान कहाँ मिलेगा, मेरी गोद में, मेरी गोद में उसे स्थान मिलेगा। इसलिए भगवान नाम की इतनी महिमा है, एक कृष्ण नाम की इतनी महिमा है। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक नाम ले, इसने तो नेग्लेक्ट रूप में लिया था, बस अवहेलना रूप में, इसे ज्ञात नहीं था भगवान नाम की महिमा। लेकिन यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम ले तो उसकी क्या महिमा होगी, और वो भी सदगुरु के मुखारविंद से श्रवण करके, तब तो इसकी बड़ी बड़ी महिमा है, है ना। इसलिए कलयुग में हमें भगवान ने बड़ा सरल साधन दिया है और हमें इसका जप करके ही अपना जीवन सार्थक कर लेना चाहिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का सभी बोलिए पीछे पीछे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। कृष्ण का भजन करो, हरि के भजन बिना, हरि के भजन, बोलिए
जैसा भी बोलिए, कृष्ण के भजन बिना Krishna, 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 Krishna.
बोलिए सभी बोलिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे संकीर्तन की जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। घर का मालिक कौन है? घर आप ही हैं। आपके आपके पत्नी कौन है? हाँ ठीक बैठ बैठ। आपके बच्चे हैं? कौन कौन बच्चे तुम्हारे? ये बेटा है ना? हाँ। और ये बेटी है? और हाँ ठीक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग सब अड़ोस पड़ोस में रहते हो? परिवार है? ओ ठीक है। और ये लोग?
हरे राम। हाँ देखो, आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है। हम सबके सब, क्या नाम आपकी? हाँ, श्री मुकेश जी ने अपना घर में सत्संग रखवाया, घर में भगवान की कीर्तन कथा हो रही है। इसलिए शंकर जी ये बात पार्वती को कहते हैं। बोले पार्वती, कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बार। ये शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं। कहते शंकर जी कौन है? कहते देवदेव। बोलो देवदेव। महादेव, जो सत्यम शिवम सुंदरम, और जोगी जोगी महाजोगी। अगर कोई एरे गेरे व्यक्ति कोई बात को बोले ना, बोले अरे उसी बात का क्या महत्व है। लेकिन अगर मोदी कोई बात बोलता है, बोले भैया जरूर इसमें कुछ दम है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बात को प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। इसलिए शंकर जी स्वयं कहते हैं पार्वती अब बैठ जाओ। कहते पार्वती, ये जगत में जो सत्संग है ये बड़ा दुर्लभ है। कहते निमिष दंड भर एको बारा। अगर जीवन में एक निमिष, कहते जिसको एक घड़ी, आधी घड़ी, कहते आधी से पुण्य आध, तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर जीवन में थोड़ी से समय अगर सत्संग मिल जाए ना, कहते जीवन का सारे दुख कष्ट को ये हर लेता है। हैं? इसलिए समझो आज हम लोगों का बड़ा भाग्य है जो हमें आज थोड़ी सी सत्संग, प्रभु की कथा, प्रभु की कीर्तन हमें सुनने मिल रहा है। मतलब आज हम लोगों का बड़े सौभाग्यवान है। अभी प्रश्न होता है, भैया सत्संग की इतने महत्व क्यों? सत्संग में हमें मिलता है क्या चीज है? इसी सत्संग की इतने महिमा क्यों है? हाँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी को आप लोग याद कर लेना, ठीक है? इसको बाद में फिर मैं आपको पूछूंगा किसको ये याद है। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं पूछूंगा, जो जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। अच्छे तरह सुनो। बोले एक समय, ये सत्संग की क्या महत्व है? बोले एक समय कोई एक राजा था, और राजा के घर में कोई औलाद नहीं। राजा बड़ा दुखी है, भविष्य में ये राजगति को कौन संभालेगा। एक दिन कोई संत उसके घर में आए। बोले राजा कैसे, ठीक ठाक हो? बोले बाबा क्या ठीक ठाक है, घर में कोई औलाद है नहीं जो भविष्य में राज सिंहासन में बैठने वाले। हम तो बड़े दुखी, धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे हैं। तब संतों ने उसका आशीर्वाद दिया। बोले देख बेटा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में एक सुंदर बच्चा होगा, क्योंकि जो ना करे लकीरी, कहते सो करे फकीरी। समझ रहे हो? लकीरी मतलब होता है भाग्य। कहते जो तुम्हारी भाग्य में नहीं है, फकीरी मतलब होता है संत। अगर सचमुच से कोई संत हो, आप भागवत कथा सुने होंगे, भागवत कथा सुने हो? देखना, हमारी जो आत्मदेव का संतान थी नहीं, लेकिन उस संत ने एक फल दिया, तो वो फल को खा करके घर में संतान की जन्म हुई है। जहां पर गोकर्ण ने है, जहां पर श्री धुंधुकर ने जन्म ग्रहण किया है। लेकिन वो संतों को फल जो दिया था, फल को उसने खाया नहीं, वो खिला दिया किसको? गैया को खिला दिया। संतों का फल तो कभी बर्बाद नहीं जाएगा। गैया को खिलाए तो गैया को भी इंसान बच्चा जन्म देता है। चूंकि वो संतों का आशीर्वाद था, इसलिए गैया भी एक इंसान का जन्म बचा दिया। राजकुमार जैसे बड़े सुंदर उसने बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है। इसलिए वो संतों के आशीर्वाद हुई तो उसको घर में बड़ा सुंदर एक बच्चा की जन्म हुआ। लेकिन कुछ गुंडे लोगों ने, डाकू लोगों ने किया कि ये बच्चे का बाहर ले जाओ। इसलिए गुंडे लोग, बदमाश लोगों ने किया कि वो पैसा के लोभ से ना, वो बचपन में वो बच्चे को उन्होंने किडनैप कर लिया। कुछ दिन बाद में फिर संत आए। बोले कैसे, ठीक ठाक हो? बोले बाबा क्या ठीक ठाक। बोले क्यों, तेरे तक बच्चा हुआ? बोले बच्चा तो हुआ, वो किडनैप हो गया, उसको चोर गुंडों ने उसको किडनैप कर दिया। लेकिन वो बड़े पहुंचे हुए संत थे, उनने ध्यान लगाया, बच्चा गया का ध्यान लगाया, तो वो अपना दिव्य दृष्टि से उसने सब कुछ देख लिया। बोले बेटा, तेरा बेटा ठीक ठाक है? बोले अभी जिंदा है? बोले जिंदा भी और ठीक ठाक है। बोले बताओ, अभी वो बच्चे को मैं ले आता हूँ, लेकिन बीच में बोले एक गड़बड़ी भी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी हो गई? बोले जिस समय वो बच्चे को उठा करके ले गए थे, वो छोटा बच्चा था, अभी वो बच्चा तो बड़ा हो गया। लेकिन बड़ा तो हो गया, लेकिन चूंकि बचपन में उसको उठा करके ले गए थे,
अभी जो असली उसको जो पिता माता है ना, ये भूल गया है। वो जो नकली जो पिता माता, वो नकली पिता माता को अपना पिता माता कहता है, छोटा सा झोपड़ी में रहता है, उसको ही घर मानता है। वो भूल गया देश का राजा रानी ही मेरे पिता माता है। एक दिन ये देश का राजा बनने वाला, उसको भूल गया, ये बीच में गड़बड़ी हो गया। अगर उसको ले भी आओगे ना, तुमको मानेगा नहीं, तुम इसको पिता माता। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले अगर आप बोलोगे ना, फिर मैं जाकर के उसको मैं समझाऊंगा, अगर वो समझ जाएगा फिर वो बच्चे को तुम वापस ले आना। बोले बाबा आपकी तो बड़ी कृपा होगी, हम तो बड़े दुखी बूढ़े होते जा रहे हैं, कौन सिंहासन को संभालेगा। इतने में वो गया संत, उसको अकेला देखा। बोले बेटा इधर आ। बोले तेरे घर कहाँ है। छोटी सी झोपड़ी था। बोले मेरे घर है। बोले तेरे पिता माता कौन है, जो डाकू थे ना, गुंडे थे। बोले ये मेरे पिता माता है। बोले देख बच्चा, तेरे को एक रहस्य बात बताता हूँ। बोले बोलो। बोले ये तेरे घर भी नहीं और तेरे ये पिता माता भी नहीं है। बोले बोल रहे हो कि हाँ, बचपन में तो यही देख रहा हूँ। बोले इसलिए तो तेरे को मैं समझा रहा हूँ, ये देश का जो राजा है ना, ये तुम्हारी पिता माता है। एक दिन ये देश का तू राजा बनने वाला है। तेरे जो घर है वो राजमहल तेरा घर है। तुम्हारे घर में हजार हजार नौकर नौकर सब काम करती है। रोज छापान भोग 36 व्यंजन तुम खाने वाले, लेकिन अभी तेरे नसीब में सूखे रोटी भी नहीं मिल रहा है। बोले इसका प्रमाण है। बोले देखो, पिता माता की सूरत में ना बच्चे का चेहरा मिलता है। हम कभी कभी कहते ना, देखो ये बच्चे में इसको माँ की चेहरा है, बोलते ना इस दादा की चेहरा है। कभी बच्चे में उसकी पिता माता की सूरत आती है। कभी कभी देखना, दोनों पिता माता के मिला हुआ चेहरा बच्चे में आता है। आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, बोलो आता है। उन्होंने बोला देख, तुम देख, तुम्हारी पिता माता जिसको तू पिता माता कहते हो, तेरा चेहरा से ये मिलते हैं क्या। लेकिन देश का जो राजा रानी, उनकी चेहरा में तुम्हारी चेहरा को मिला, मिलता कि नहीं। बोले बात तो सही है, अभी तक तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोले ऐसे कैसे होगी। बोले तब तो छोटा बच्चा था ना, इन लोगों ने तुमको किडनैप करके ले आए पैसा के चक्कर में, इसलिए इस देश का एक दिन तू राजा बनने वाला। बोले घर में जाओगे। बोले आपको बड़ी कृपा होगी, मैं तो छोटी सी कुटिया में झोपड़ी में रहता हूँ, रोटी भी ठीक से हमें खाने के लिए नहीं मिलता है। एक दिन देश का मैं राजा बनने वाला और राजा रानी मेरे पिता माता है। बोले ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। वो संत गए, फिर उन्होंने समझाई। बोले तुम्हारी बच्चे को हमने समझा दिया, अभी वो समझ गया, अगर अभी उसको ले आओगे ना, अभी तेरे को मानेगा। बोले बताओ कहाँ पर मेरे बेटा। बोले अमुक स्थान पर वो चोर गुंडे को बीच में फंसा हुआ है, जाओ अपना सैन्य सामंत लेकर के जाओ, घेराव करो और इनको मारो और अपना बच्चे को वापस ले आओ। जो बच्चे को वापस लाए ना, देखा राजमहल उसका घर, राजा रानी इसकी पिता माता, एक दिन देश का वो राजा बनने वाला, लेकिन बड़ी दुर्दशा में अपना जीवन को बिता रहा था। अभी तो वो आनंद आनंदमय हो गया। देखो ये जो कथा है ना, कभी जो कथा है ये हमारी जीवन की कथा है, हम सबकी कथा है, ये सत्संग की महिमा है। अब बताओ ये जीव कौन है, हम लोग कौन है। इसलिए वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं पिता अहमश्च जगत धाता माता पितामह है। इसका मतलब है हम कहते ना तुमेव माता च, उसके बाद में पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याम द्रविणा तुमेव, तुमेव सर्वम, हम बोलते हैं ना। इसलिए हमारे पिता माता कौन है, ठाकुर जी हमारे पिता माता है, वही हमारी असली पिता माता है। लेकिन अभी हम असली पिता माता को भूल चुके हैं, हम सबके सब किडनैप हुए हैं, सबके सब मानते हो किडनैप हुए हैं, सबके सब मानते कि नहीं, हम सबके सब किडनैप हुए हैं। क्योंकि जो असली पिता माता है ना, हम उसको भूल गए, हम उसको भूल गए हैं। भूल करके अभी इसी संसार में हर जीवन में देखना एक एक नई नई पिता माता बनता है। इसी जीवन में एक पिता माता, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ना पड़ेगा, फिर और एक नया पिता माता बनेगा, फिर तीसरे जीवन में, और जिस जीवन में हम जाते हैं ना,
जानवर जीवन में जाए तो जानवर है हमारे पिता माता, इंसान का जीवन में आए तो इंसान जीवन में पिता माता, ये हर जीवन में हमारी ये सब के सब बदल जाती हैं। लेकिन कहते हैं कब तक ये बदलते रहेंगे, बोले जब तक हम असली पिता माता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, कहते आप ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपतु तो कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, जब तक ये जीव मेरे को अपना पिता माता नहीं मान ले, जब तक ये जीव मेरे शरण में नहीं आ जाए, तब तक इस संसार में बदलाते रहेंगे। लेकिन जब जीव कहते आप ब्रह्म भुवना लोकात, अगर जीव ब्रह्मलोक तक भी चले जाए, हे अर्जुन, जब फिर पुण्य खत्म होगा, फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे को असली पिता माता रूप में स्वीकार कर लेता है और मेरे चरण को आश्रय ग्रहण कर लेता है, फिर पुनर्जन्म न विद्यते, उसको फिर संसार में पुनर्जन्म उसको नहीं होता है। नहीं, चुपचाप बैठो। इसलिए कहते हैं फिर जगत में पुनर्जन्म उसकी नहीं होता है, है? इसलिए लेकिन ये ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ से? वो बच्चे को किसने समझाया जे तुम्हारी असली पिता माता ये है? कौन समझाए? वो संत ही समझाए, उन्होंने संत ही समझाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोल भना सोई। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। इसलिए जब तक जीवन में हमें सत्संग नहीं मिलते हैं, तब तक हमें ज्ञान उदय नहीं होता है, और जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं हो ना, तब तक क्या है, ये सत्संग भी हमें नहीं मिलती है। इसलिए समझो आज हम लोगों का बड़ा भाग्य है, आज हम सबके सब थोड़ी समय के लिए हम लोगों ने बच्ची क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठो। इसलिए हमें थोड़ी समय के लिए हमें सत्संग मिला, भगवान की कथा मिली है, समझो आज हमारे बड़े भाग्यवान हम लोग हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं जगत में दो चीज दुर्लभ, वो कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। एक तो संतों की संग दुर्लभ है और भगवान की कथा भी जगत में दुर्लभ। आज हमें ये दो चीज मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है कि नहीं, भक्तों का संग भी मिल रहा है और भगवान की कथा भी मिल रहे हैं। इसलिए समझो आज हमारी बड़ा भाग्यवान है जो थोड़ी समय हमें भगवान की कथा और भगवान की कीर्तन सुनने को मिला, ठीक है? हाँ, लेकिन ये सत्संग से हमें मिलता है क्या है? ये सत्संग से क्यों जीवन में शांति सुख मिलता है? सत्संग से, क्योंकि जो ये सत्संग से है ना, हमें भगवान के नाम मिलता। अभी बता रहे थे ना, कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही परा। भगवान कलिजुग में सबसे सरल उपाय बोले, कहते कलिजुग में मेरे को पाने के लिए कोई कष्ट करने का कोई जरूरत नहीं। जैसे दूसरे दूसरे युग में भगवान को पाने के लिए बड़ा कष्ट करना पड़ता था, बोले कलयुग में ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं। जो कुछ कर घर में ठाकुर को सेवा मान कर करो। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? भगवान की मंदिर में। कहाँ लगा रहे हो? ठाकुर जी की मंदिर में। जैसे गोपियां भी तो घर में थी, वो भी तो सारे काम करती थी, लेकिन देखो कृष्ण के कितने बड़े भक्त है। ये मत समझो हम घर में कुछ नहीं कर सकते, घर में सब कुछ कर सकते हो, घर में सब कुछ होता है। इसलिए भागवत पढ़ करके देखो जितने सारी कथा है ना गृहस्थ का, कोई त्यागी कथा इतना नहीं आता है। अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, प्रहलाद महाराज गृहस्थ थे, ध्रुव महाराज, ये सबके सब घर में ही थे, सबके सब, कोई त्यागी संत नहीं थे, सबके सब कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? घर में रहते थे। इसलिए घर को क्या मानो? ठाकुर जी की मंदिर मानो, यही भगवान के दरबार है, ठीक है ना? जब घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? ठाकुर जी की मंदिर में। कहाँ लगा रहे हो? ठाकुर जी के मंदिर में। रसोई बना रहे हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो? ठाकुर जी के लिए, ठीक ठाक है ना? इसलिए जो कुछ ठाकुर जी के बनाओ, ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ, ठाकुर जी को पहले तुलसी दल से ठाकुर जी को भोग लगाओ। लेकिन अगर प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते हो। इसलिए हमें प्याज लहसुन को त्याग देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दे दोगे ना? कौन कौन खाते हो प्याज लहसुन? सही सही बोला, हाथ उठा करके, झूठ मत कहा करो। कौन कौन खाते हो प्याज लहसुन? हाथ उठाओ जोर से, हमें तो बता चले कौन कौन खाते हो।
हाँ देखो, भगवान के लिए इतने से चीज हमें त्याग देने चाहिए हैं। इसलिए जैसे नवरात्रि आती है ना, नवरात्रि में कोई प्याज लहसुन खाते हो? नहीं खाते हो। बोले क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो ना। क्या 9 दिन के लिए दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा? हाँ, इसलिए माता जी को जो पसंद नहीं है ना, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जी को पसंद नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, देखो गीता का श्लोक है, बोले भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्म कारणात्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे लिए नहीं बनाकर खुद के लिए बनाते हैं और खुद भोजन करते हैं, बोले भुंजन्ते तु अघम, कहते वो पाप भोजन करते हैं। लेकिन यज्ञ शिष्टा से न संत मुच्यन्ते सर्व क्लेश। जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा करके मेरे प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं, समस्त पाप से वो मुक्त हो जाते हैं, समस्त पाप से वो मुक्त हो जाते हैं। और मनु संहिता कहता है, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, संस्कृत समस्त हो थोड़ी थोड़ी, देखो ये शब्द है, स्वान बिष्टा समच अर्ण निरंच सुरया सम। जो चीज भगवान की भोग नहीं लगता है, वो स्वान मतलब कुत्ते, बोले कुत्ते का बिष्टा की बराबर वो दाल चावल सब्जी बिष्टे के बराबर है। बोले नीर मतलब पानी कतई शराब के बराबर है। जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, उपनिषद कहता है, ईसा बास्य मिदम सर्वम जत किंचा जगत या जगत। जगत में जो कुछ देखते हो सब भगवान ने बनाया, भगवान की दुनिया है ना। ठाकुर जी को क्या करो, उसको देख करके ग्रहण करेंगे तो उसको कोई पाप फेरे नहीं लगेगा है। इसलिए आप लोग ने सुदामा जी का कथा सुने होंगे, सुने कि नहीं सुदामा जी की? ये पहले गरीब बना बाद में धनी बना। क्यों गरीब बना? पहले आप लोग टीवी में देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, उनको गुरु माता ने चाना देकर भेजा, बोले कन्हैया को देकर खाइयो। लेकिन सुदामा ने क्या किया? अकेला अकेला खा लिया, भगवान को बिना दिए छुपा छुपा कर खा गए। इसलिए इतने दरिद्र, इतने दुख कष्ट जीवन में भोग किया, इतने दरिद्रता घर में आ गई। लेकिन धनी कब बना? फिर जब उनको पत्नी ने चावल देकर भेजा, जाओ ठाकुर जी के लिए, ठाकुर को दर्शन करो, तुम्हारी सब दुख दूर हो जाएगा। ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोले और नहीं, अपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में समस्त ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी हूँ घर में दासी बन जाओगी। अब टीवी में देखे होंगे, जब सुदामा आए घर, सोने के महल, उसकी पत्नी राज रानी बनकर बैठी हुई, पत्नी को पहचान नहीं पाए। पत्नी आरती उतारने के लिए आई, वो पीछे पीछे हट रहे थे, बोले तू कौन हो? बोले मैं आपको वही सुशीला। बोले ये क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिए। इसलिए कहते हैं, अगर ठाकुर जी को दे कर खाएंगे ना, घर में मां लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है, घर में भी पैसा भी आती है। अब बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? बताओ किसको नहीं चाहिए? दुनिया को तो लक्ष्मी चाहिए ना, लक्ष्मी अगर तो कुछ होती ही नहीं है। इसलिए लक्ष्मी किसकी है? लक्ष्मी तुम्हारी ना, लक्ष्मी ठाकुर जी की है। बोलो किसकी लक्ष्मी है? ठाकुर जी की ना। लक्ष्मी तब घर में शांति सुख देगी जब ये लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में लगे वो, क्योंकि ठाकुर की तुम्हारी लक्ष्मी है ही नहीं, वो लक्ष्मी ठाकुर जी की लक्ष्मी है। जो कुछ चीज खरीदी करते हैं पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी जब ठाकुर को सेवा में लगता है ना, लक्ष्मी खुश होती है, प्रसन्न होती है, वरदान देती, बेटा खूब पलते बुलते रहो। अगर लक्ष्मी को तुम भोग करना चाहोगे, ठाकुर को सेवा में नहीं लगाओगे, फिर तो लक्ष्मी बिगड़ जाती है, फिर तो अभिशाप देती है। भले ही घर में पैसा आएगी, लेकिन वो घर में देखना शांति सुख नहीं देगी, लड़ाई लगा देगी, बीमारी लगा देगी, अशांति कर देगी, दुखी दुखी कर देगी। क्यों? वो लक्ष्मी तुम्हारे घर में नाराज है। क्यों? वो ठाकुर को सेवा में नहीं लग करके तुम लक्ष्मी को भोग करना चाह रहे हो। लक्ष्मी को तुम भोग नहीं कर सकते हो, लक्ष्मी को तो भोग ठाकुर ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करियो, ठाकुर जी को, ठाकुर जी का और प्याज लहसुन को। हाँ देखो एक छोटी सी कहानी सुन लो, कहते ये प्याज लहसुन हमें क्यों नहीं खानी चाहिए, अच्छे तरह सुन लो, ये पुरानी की कथा है। क्यों ये नवरात्रि में हम इसको क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? ठाकुर जी को भोग में क्यों नहीं लगता है? हैं? शंकर जी की देवी की क्यों ये सब चीजें नाराज है? कहते पहले पहले ऋषि लोग अपना गैया पालते थे, जो गो माता है, हम लोग तो गैया की पूजा करते हैं, गो माता है, उनके शरीर में 33 करोड़ देवता का निवास है। लेकिन जब गैया कोई बूढ़ी हो जाती थी ऋषियों का आश्रम में,
उसको मरने नहीं देते थे, उसको बलिदान देते थे, अग्नि कुंड में आहुति देते थे, लेकिन जो मंत्र पढ़ते थे ऋषियों के पास में ऐसे मंत्र था, जो मंत्र पढ़ते थे वो गैया पर जवानी बन जाती थी। हैं, कोई गैया बूढ़ी हो गई, यज्ञ के अनुष्ठान की गैया को बलिदान सबके हाथ में मांस दे दिया आहुति में डालने के लिए, लेकिन हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी किसने दे करके ना खाने के लिए इच्छा हो गई, उसने राख में उसने छुपा दी और सबके सब आहुति डाले, जब ऋषि मंत्र पढ़े गैया एकदम जवानी बनकर प्रकट हुई, लेकिन जिस जगह का मांस को उसने छुपाया था वो भरा नहीं, वो घाव बना हुआ। ऋषि तो साधारण थे नहीं, उन्होंने ध्यान लगाए ये ऐसे कैसे हो गया, ध्यान लगा करके देखे किसने खाने के लिए छुपाया उसको, फिर उन्होंने अभिशाप दिए, बोले जहां पर ये मांस को गाड़ दिए, मांस जैसे लाल लाल रंग की वहां पर प्याज की पौधा होगी, मांस में जैसे बदबू आती है छड़ जाने पर, आप तो कच्चा प्याज खाओ मुंह से भी बदबू मारती है ना, मारती कि नहीं बदबू, अब यहाँ प्याज को काटो पूरा घर में पता चलेगा प्याज कट रही है, पता चले आंखों में आंसू भी आ जाती है, इसलिए 9 दिन तक जैसे नवरात्रि आती है ना, नवरात्रि में खाते हो, नहीं खाते है ना, क्यों नहीं खाते हो, कारण क्या है, क्योंकि इसका जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि गंदी चीज से, इसकी सृष्टि गंदी चीज से हुई है, इसलिए इसको ठाकुर की सेवा में, माँ देवी की सेवा में ये चीज नहीं लगती है। जहां पर हड्डी गिर पड़ा वहां पर अभिशाप दिया, लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून की बूंद गिरी वहां पर मसूर डाल हुई, इसलिए आप लोग अपना घर में देख लेना, 1-2 पीढ़ी पहले देखोगे आपके घर में भी ये चीज नहीं आती होगी। पहले इस चीज को कुछ कोई हिंदू लोग ग्रहण नहीं करते थे, क्यों, हर हिंदू घर में ठाकुर होते थे, जो खाते थे ठाकुर जी को पहले भोग लगता था, हैं, अब लोग सब चीज हमारे घर में कहां से आ गई, कहते हमारे घर में कहां से आ गई, आपको पता है कहां से लाए, कहती है मुगल लोग ने, मुसलमान लोग ने सब चीज लाए, ये मांस शराब अंडा प्याज लहसुन वही लोग पहले खाते थे, लेकिन अभी धीरे 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 कलयुग का प्रभाव से धीरे धीरे हिंदू लोग भी धीरे धीरे उनको खाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले कोई घर में नहीं घुसाते थे, इसको पाप मानते थे ये सब चीज को। अब देख लो तुम्हारे घर में भी 1-2 पीढ़ी पहले दो तुम्हारे घर में भी ये चीज नहीं आती होगी तुम्हारे घर में, हैं? इसलिए कोशिश करो, हम लोग हिंदू है, ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे तो कहते ना जैसे खाओगे अरना वैसे बनेगा, वैसे बनेगा मन, हैं, जैसे मन बनेगा। अब लोग बोलोगे नहीं बगैर प्याज लहसुन के स्वाद नहीं आती है, क्या नहीं आती है बोलो, नहीं स्वाद नहीं। अब देखो जैसे तुम्हारे घर में रोज प्याज लहसुन बनता है, प्याज लहसुन रोज बनता है, किसी दिन कोई तिथि दीवार आ जाए जिस दिन प्याज लहसुन नहीं बने, ठाकुर जी को भोग लगाकर खाते हैं, देखना उसी दिन जो चीज बनेगा ना उसमें अलग स्वाद आता है, आती कि नहीं बोलो, ठीक ठीक से आती है कि नहीं, आती है कि ना, क्यों उसी दिन ठाकुर को भोग लगा ना, इसलिए उसमें अलग स्वाद आती है, क्योंकि ठाकुर जी उसको ग्रहण किया। अगर रोज रोज घर में ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे फिर तो रोज रोज भगवान का प्रसाद खाओगे, भगवान कहते हैं मेरे प्रसाद खाने से दुख समस्त दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करना जितना दूर पालन करने के लिए, और एक काम करना भगवान के नाम जप करना, ठीक है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही परा। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण सबके सब बोलो मेरे साथ में, हाँ जो बोलेगा ना भगवान का नाम उसका सारे दुख दूर हो जाएगी। अभी बता रहे थे ना हरे मतलब क्या है, समस्त दुख कष्ट जो दूर कर देते हैं, कृष्ण मतलब क्या है, मन अशांत कभी रहता है, मन में चंचलता रहता है, मन में कभी कभी शांति सुख नहीं, कृष्ण बोलने से समस्त अशांत जीवन में दूर हो जाती है। राम मतलब क्या, जीवन में जो हमें आराम दे, भगवान के नाम से ये 3 चीज मिलेगी, ठीक है, जोर करके मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार आप लोग बोलो मैं सुनूंगा जोर से, हाँ, और एक बार बोलो, और एक बार, 3 बार बोलनी सर, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। आपको और एक छोटी सी कथा सुना था, भगवान के नाम में कितने शक्ति है इस चीज को अच्छे तरह सुना। हाँ देखो, ये जो भगवान का जो नाम है
बोले एक समय कोई एक संत, तुम कहाँ जा रहे हो? प्याज लहसुन खाना इसलिए जा रहे हो? हरे कृष्णा। देखो देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में किसी राजा से मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए, लेकिन राजा राजकार्य में बहुत बिजी था। जो वहां चौकीदार था उसको बोले अंदर में राजा क्या है? बोले है। बोले बोलो कोई एक संत आपसे मिलने के लिए बहुत जरूरी काम है, एक मिनट बात करना चाहते। तो राजा ने सोचा संत क्यों आए होंगे, कुछ भिक्षा लेने के लिए आए होंगे। तो उन्होंने 101 रुपया भेज दिया, बोले संत को दे देना। लेकिन जब संतों को देने के लिए आए ना, संत लिए नहीं। बोले देखो मैंने पैसा लेने नहीं आया हूँ, केवल एक मिनट कोई जरूरी काम, एक मिनट मिलना चाहता हूँ। राजा सोचा साथ 100 रुपया में बाबा का मन नहीं भरा, तो उन्होंने 501 रुपया भेज दिया, बोले संत को दे देना। लेकिन संत लिए नहीं, बोले भाई पैसा लेने आया ही नहीं, मैं तो कोई जरूरी काम लेकर के आया हूँ। इतने में उन्होंने 1001 रुपया भेजे, लेकिन तब भी संत लिए नहीं। बोले केवल एक मिनट बात करना चाहता हूँ, कोई विशेष जरूरी है। राजा ने कहा देखो मेरे पास में कोई समय नहीं संतों से मिलने के लिए, बोल दो बाबा संत। राजा के पास में कोई समय नहीं संतों से मिलने के लिए। अभी राजा तो दुखी, संत दुखी होकर रानी के पास में पहुंचे। जो वहां पर कोई दासी थी, बोले अंदर में महारानी क्या है? बोले है। बोले उनको बोलो कोई संत कभी एक मिनट कोई जरूरी काम में आए, एक मिनट बात करना चाहते। रानी सुनकर बड़ी खुश हो, बोले संत है घर में बुला, बड़े भाग्य है संतों का दर्शन, बुला घर में। तो घर में बुलाए और आसन देकर बैठा है। बोले बाबा अब हम क्या सेवा करें? बोले रानी मैं तो कोई जरूरी काम को लेकर के आया था राजा को बोलने के लिए, लेकिन राजा मेरे से मिले ही नहीं। बोले कोई चिंता नहीं, मेरे को बताओ मैं सेवा कर दूँ। बोले मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है ये जो राजा है ना, ये 7 दिन में मरने वाला है। कितना दिन में मरने वाला है? 7 दिन में ये मरने वाला है। अभी अभी नई नई शादी हुई घर में, रानी अभी नई नई आई, अगर कोई बोल दे राजा तुम्हारे 7 दिन में मर जाएगा, बताओ क्या होगा? और सुने तो आधा ही मर गई। बोले क्या बोल रहे हो? अभी अभी शादी होकर मैं घर में आई हूँ और तुम कहते हो राजा 7 दिन में मरेगा, तो सुनकर तुम घबरा गई। बोले ये क्या बात सच? बोले ध्रुव सत्य है, राजा 7 दिन में मरने वाला, इसलिए मैं सोचा इतना उपकार मैं करके आऊं। रानी तो बड़ी दुखी हो गई। बोले मैं जा रहा हूँ, संत चले गए। इतने में रानी तो घबरा गई, उन्होंने एक नौकर को भेजा। बोले अभी अभी राजा को बोलो कोई जरूरी काम, रानी बुला रही है। जब राजा ये बात को सुना भागते भागते आए। देखो अभी संत आए थे, संत बोले एक मिनट में मिलना चाहता हूँ, लेकिन राजा के पास में समय नहीं हुई। लेकिन सुना जब रानी बुला रही ना, अभी नई नई शादी हुई ना, जब रानी बुला रही है सारे काम को उसने फेंक फांक कर भागते भागते आया। जब भागते भागते आए रानी ने बोले राजा बोले मैं तो अभी अभी ऑफिस में गया था, इस क्या जरूरत काम पड़ गया? बोले महाराज आपके पास में कोई संत मिलने के लिए गए थे? बोले हाँ। बोले आपसे मिले हो? बोले मैं राजकार्य में बड़े बिजी था। बोले राजकार्य में बिजी थे, जब मैंने बुलाया सारे राजकार्य को छोड़ छाड़ करके आए हो, अब जब कोई संत बुलाए आपके पास एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिली आपके पास में? कहते अति हरी कृपा जा पर हुई पाव देही या संगत सोई। शंकर जी कहते तभी संतों का दर्शन मिलता है, अति हरी कृपा जा पर हुई, जिसको ऊपर में हरि की कोई विशेष कृपा हो तभी जीवन में सत्संग मिलता है। भागवत में बताए जब जीवन का सारे दुख कष्ट तुम्हारी सब खत्म हो गई, संसार का कोई दुख कष्ट तुम्हें भोगना नहीं, तभी जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। क्यों? सत्संग से ही ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति करता है, फिर जीव प्रभु के पास में चला जाता है। जब जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाए तभी सत्संग मिलता है। आपको एक मिनट भी नहीं मिला संत से मिलने के लिए? बोले बताओ तो बात किया। बोले बात तो बड़ी गंभीर बात है, वो संत ये बोलना चाह रहे थे आप 7 दिन में मरने वाले हो। राजा सुनते ही बोले 7 दिन में मरने वाला हूं, अभी अभी राज्याभिषेक हुई, अभी अभी शादी हुई, 7 दिन में मर जाऊंगा। राजा तो सुनकर इतने घबरा गए, बोले वो संत गए कहां, वो तो चले गए। बोले जल्दी जल्दी उनको बुलाओ। तो उन्होंने किसको भेज करके जल्दी जल्दी उनको रास्ता से बुला करके लाए, ला करके बैठा है, प्रणाम किया। बोले बाबा हमारी अपराध हो गई, अब तो बहुत जरूरी काम लेकर के आए थे, आपने बताया मैं 7 दिन में मरने वाला। बोले हाँ। बोले ये सत्य है? बोले ध्रुव सत्य है,
सात दिन में यहां मरने वाले हो। और घबरा गए, बोले कोई चिंता मत करो, घबराओ मत, अपने बहुत दान पुण्य किए हो इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अक्षय स्वर्ग मिलेगा। लेकिन महाराज स्वर्ग में सारे सुख तुमको मिलेगा, लेकिन एक चीज की कमी है। बोले किस चीज की? बोले वहां बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, जब आप सोओगे ना वो मच्छर काटते रहेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। बोले फिर? बोले फिर क्या, जब वहां पर मच्छरदानी का भी व्यवस्था है, लेकिन और एक कमी। बोले क्या है? बोले इसकी कोने में एक छेद है, उधर से मच्छर घुस सकते हैं। बोले फिर? बोले फिर क्या, जब आप शरीर छोड़ोगे ना मरोगे, साथ में एक सुई धागा ले जाना, साथ में एक सुई धागा ले जाना, उसको सिलाई कर दो, पर चैन की नींद आएगी। बोले क्या बोल रहे हो, मरते समय सुई धागा ले जाएंगे? बोले हाँ, एक सुई धागा ले जाना। बोले कैसे? मरते समय तो यही जला देंगे हमें, मरते समय तो यही हमें जला देंगे, फिर ये सुई धागा कैसे लेकर जाऊंगा? बोले तेरे को पता है एक सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगा? बोले दुनिया को पता है, ये दुनिया को पता है एक मरते समय एक सुई धागा भी साथ में नहीं चलने वाला है। बोले महाराज मैंने आपको इतनी सी केवल बात समझाने आया था, केवल इतनी सी बात आपको समझाने आया था, जिस राज कार्य में आप इतने बिजी हो, शरीर जब छूटेगा यहां से एक सुई धागा, मेरे साथ में एक मिनट मिलने के लिए तुम्हारे समय नहीं मिला, लेकिन यहां शरीर छोड़ेगा तो एक सुई धागा भी यहां से तुम ले नहीं सकते, सब तुमको छोड़कर जाना पड़ेगा। संत ने पूछा, ये बताओ जब चार व्यक्ति कंधे पर एक व्यक्ति को ले जाते हैं, वो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? अब सुने हो सबके सब, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, ये इतना ही तो बोलते हैं ना। संतन ने पूछा इसका मतलब क्या होता है? है बोले इसका मतलब होता है, जीवन में तुमने जितने राम को और कृष्ण का नाम लिया है, वही केवल सत्य है, तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा है, इसके बगैर तुमने जो कुछ किए हो सबके सब संसार में झूठा है। जिस पत्नी को सात फेर लगाकर शादी किया, वो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसका आगे पत्नी नहीं चलने वाले। जिनको परिवार बनाए वो कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे, उसका आगे ये कोई चलने वाले नहीं, साथ में क्या जाएगा? इसलिए आप लोग मीरा की एक भजन सुने होंगे, बोले पायो जी मैंने, बोलो मेरे साथ में, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। अब सब गाते होंगे, आप सब जानते हो, कहते पायो जी मैंने, मतलब मेरे को मिला, पाया मैंने, क्या पाया है? बोले राम रतन धन पायो, जितने भगवान राम की कृष्ण के हमने नाम ली, केवल वही मिला, और जग में सब ही खोवायो। इसलिए कहते हैं दी मरे सदगुरु, ये कहां से मिली है? कहते सदगुरु से ही प्रभु का नाम मिला है, हैं? सदगुरु से ही मिला। तो उस दूसरी रानी में गाती है, भैया ये धन कैसे है, ये धन कैसे है? तब दूसरी लाइन में गाती है, बोले चोर नहीं ले बे, लुटे नहीं जाबे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये धन कैसे है? बोले जिस धन को चोर नहीं ले सकते हैं, लुटने वाले नहीं, फूटने वाले नहीं, जो धन केवल बढ़ती है, जो धन कभी घटती नहीं, ये धन केवल तुम्हारी बढ़ती रहती है, कभी घटेगी नहीं, ये ऐसे का धन है। इसलिए ये ऐसे का धन है, जिसको पति लुटेगा ना पत्नी नहीं ले सकती है, अगर पत्नी लुटेगी तो पति नहीं ले सकता है, अगर बच्चे करेंगे तो जिसको पिता माता नहीं ले सकते, जो करेगा ये धन को इसी जीवन में धनी आप ही बनोगे, और अगले जीवन में पूरा के पूरा ब्याज समेत आपको अकेले जीवन में मिलेगा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, ये नाम सुने हो चैतन्य महाप्रभु का? कौन कौन जानते हो? जानते हो चैतन्य महाप्रभु का नाम? एक दिन इनको भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में भोजन है। भगवान एक चीज को शिक्षा देने के, बोले बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ,
बोले किसको घर में भोजन करोगे? बोले जो लखपति बनेगा। जो आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो उसको घर में ही मैं भोजन करूंगा। अभी तो भक्त लोग दुखी दुखी हो गए। बोले किसको घर में 1 लाख रुपया है, 1 लाख स्वर्ण मोहर है, किसको पास में है? बोले हमारे घर में 1000 रुपया भी नहीं। 1000 रुपया मतलब क्या? 1000 स्वर्ण मोहर। बोले 1000 की बात छोड़ दो, हमारे घर 100 रुपया भी नहीं। 100 रुपया मतलब जिस घर 100 स्वर्ण मुद्रा हो। बोले हमारे घर में फिर आप क्या भोजन नहीं करोगे हमारे घर में? देखो भगवान बहुत अच्छी चीज समझाए। बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोज आना जो ठाकुर का 1 लाख नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा की और ये के भजन है, बोले ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिरियों का गाल हुए, सोना चांदी माया बालो मैं समझाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। इसलिए आप लोग सब गाती होंगे भजन, गाती कि नहीं भजन को? इसलिए ये मीरा कहती असली जो धन है प्रभु का नाम रूपी धन, यही असली हीरे मोती है। इसलिए कहते आप लखपति कैसे बनोगे? आप लोग देख लो मेरे तरफ में, अब लखपति कैसे बनेंगे? कुछ दिन पहले टीवी में आता था अमिताभ बच्चन का नाम, सुने हो अमिताभ बच्चन का? कौन कौन जानते हो उनका नाम? सब जानते हो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, आते थे ना कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पर भगवान खुद कहते हैं कौन बनेगा लखपति। अब देखो अब लखपति कैसे बन सकता, मेरे तरफ में देखो अच्छे तरह से देख लो, अब लखपति कैसे बनोगे? जैसे ये माला है, हैं? ये माला में जब हम भगवान की भजन करते हैं ये जो अंगुलुक है ना ये माला में टच नहीं कराते, ये गंदा अंगुलुक कहते ना, तेरे को हम देख लेंगे, सबसे पहले ये निकलता है ना, तुमको हम ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए अंगुलुक खोल कर रखते हैं। और ये अंगुलुक पर रख करके आप लोग मेरे साथ साथ में बोलो लखपति आप भी बन जाओगे। बोलो हरे कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हाथ उठाकर बोलो हरे राम 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 हरे हरे, और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोल करके ना उसमें एक ए, 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 एक मोती को सरकाते हैं, फिर दो बार बोल कर फिर दो मोती को सरकाते हैं। देखो 1 लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया, 16 बार हो गया ना। जब इसको पूरा मंत्र को एक बार बोल दिया 16 बार हो गया है। इसको बोल करके एक मोती सरकाते हैं, बोल करके एक मोती, लेकिन करते 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 जो यहाँ समाप्त हो जाता है इसको पार नहीं करते हैं, क्योंकि ये सुमेरु राधा कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए इसका हम पार नहीं करते हैं। पार नहीं करके फिर ऐसे घुमा देते हैं, घुमा कर फिर दूसरे तरफ से करते हैं। अगर ऐसे करते करते अगर 16 माला हो गई ना, वो हिसाब से हो जाता है 25,000 हो जाए। अगर 64 माला अगर हमने कर ली तो हो गया 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं ये बात को, तुमने 1 लाख माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई। भगवान खुद कहते बात को, बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी? ब्याज तो मिलनी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट ब्याज तो मिलनी चाहिए तुमको ना, ब्याज कितने मिलेगी? इसलिए मीरा कहती है दिन दिन बढ़त सवायो, आज अगर 1 लाख नाम किया ना कल तुमको 1.25 लाख मिलेगी, और 4 दिन में कितना हो जाएगा? 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। और ये धन कब मिलेगी? जब ये शरीर छोड़ जाएगा ना, इसलिए अंतिम समय में, इसलिए हमारे भारत में बोलते हैं भैया राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गते है सब कई बात झूठा। मतलब क्या? जितने तुमने प्रभु का नाम लिया है वही जा रहे हैं तुम्हारे सामने, और यहाँ के सुई धागा भी तेरे साथ में यहाँ से नहीं जा रहे, सब यहीं छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए उसको सुनाते सुनाते ले जाते हैं। इसलिए कबीर का नाम सुने होंगे, सुने हो कबीर का नाम? तो वो कहते हैं बोले मरने में सब जग डरे मेरा मन आनंद, कहते मरने के लिए अभी कोरोना आ गया था ना,
सबके सब अंधेरे में बंद कर दिया, कोई मरना नहीं चाहते, फिर बोल तीसरा लहर भी आ रहे क्या? इसलिए कहते मरने में सब जग डरे, मरने के लिए सब डरते हैं, लेकिन कबीर कहते मैं तो खुश हो रहा हूँ। किसने कहा भैया तू क्यों खुश हो रहे हो, दुनिया तो मरने के लिए डरते हैं, और देखो कबीर क्या कहते हैं, बोले इसलिए लोग डरते हैं भजन नहीं किया है ना, जानते हैं फिर वही 84 लाख जीवन में पेड़ पौधा पशु पक्षी होकर जाना पड़ेगा, फिर नरक भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए डरते हैं, लेकिन तू क्यों खुश हो रहे हो? कबीर कहते हैं जिंदगी भर मैंने प्रभु का भजन किया है, हमको पता है, हमें पता है जितने मैंने भजन किया सबके सब डिपोजिट वहां पर है, मरने के बाद ब्याज समेत हमें मिलेगी, मेरे लिए तो वीआईपी व्यवस्था होगा, रथ आएगा लेने के लिए मेरे को ठाकुर जी का धाम में, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ। इसलिए अगर आप भी चाहते हो हमारा जीवन सुधर जाए, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर से हमें छुटकारा मिल जाए, जीवन में शांति सुख मिले, तो क्या करो, क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान की कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए ठाकुर जी का नाम ही जप करना है, और कुछ कलयुग में नहीं है। इसलिए बोले कलयुग केवल, केवल मतलब क्या, कोई ध्यान ज्ञान कुछ करने का कोई जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम ही जप करो, इसी से ही तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं बोलो, यही करते हैं ना, रघुपति राघव पतित पावन, यही तो करते हैं ना। शंकर जी अभी बता रहे थे ना, पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर भी पंचमुख में ठाकुर का नाम करते हैं। सरस्वती का चार हाथ देखना, एक हाथ में माला है, ब्रह्मा जी के चार हाथ देखना माला है, माता जी के आठ हाथ में देखना के माला है, ये विश्व ब्रह्मांड ठाकुर का नाम जब करते हैं। इसलिए एक भजन सुने होंगे, कहते हैं बोले राम नाम की माला, बोलो उसके बाद में क्या, हाँ बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, ताली बजाते बोले कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल, बोलो पीछे पीछे, जपेगा कोई दिल वाला राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी यशोदा माने माला जप मिल गया मुरली बाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया मुरली बाला जपेगा कोई दिल वाला, दूसरा माइक आ गया, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की आ माला जपी थी गौरा माने माला जपी थी, मिल गया डमरू बाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी अजना माने माला जपी थी अजना, अब मिल गया बजरंग बाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम माला जपी से मेरा भाई ने माला जपी से, माला जपी से मेरा
भाई ने मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला मिल गया मुरली वाला जप राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला बोले जपेगा कोई जपेगा कोई दिल्ली वाले नहीं है दिल्ली वाले नहीं है कौन जप करेगा दिल वाला मतलब क्या जिसका दिल मजबूत है वही जप कर सकता है जिसका दिल मजबूत नहीं है ना वो प्रभु का नाम जप नहीं कर सकता है इधर उधर तो बात कर सकता है बैठ करके दुनियादारी की बात करेगा लेकिन प्रभु का हरिनाम करने के लिए बोलो उसका मुंह में भगवान के नाम नहीं निकलेगा इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन को हे अर्जुन मेरे नाम को कौन लेगा ये कृष्ण खुद कहते हैं बोले जनेई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की पूजा सेवा की अर्जुन तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को जप कर सकता है हैं इसलिए एक और के हमारे संत कहते हैं जो भगवान का नाम करेगा ना उसका 3 काम हो जाएगा कितना काम हो जाएगा जोर से बोला क्या क्या है हाँ मैं आज बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा देखो 3 काम ये है एक संत कहते हैं बोले जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं चित्रगुप्त का नाम सुने हो चित्र मतलब होता है फटो गुप्त मतलब होता है छुपा करके जो हमारे सारे फटो को ले रहे मरने के बाद सारे कर्म फल के अनुरूप जीव को भोगना पड़ता है हैं हम जो कुछ कर्म करते हैं अपने आप फटो निकल रहा है ऊपर वो क्या हमारा लगा हुआ ऊपर में वो ऑटोमेटिक क्या हमारा लगा हुआ है कुछ बोलने का जरूरत नहीं वो सारे हमारे कर्मों के फल को इकट्ठे कर रहा है इसलिए ये चित्त देखो ठाकुर का नाम में कितने शक्ति जो भगवान के नाम जप करेगा वो जम कहते हैं चित्रगुप्त उसको कापी ले आओ उसका नाम को यहाँ काट दो अभी कभी नरक नहीं आएगा वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा बोले दूसरा काम क्या है बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला लेकर के सजाते हैं बोले किस लिए बोले जो वो व्यक्ति जो भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक होकर के वैकुंठ जाएगा उसको बीच में मैं आरती उतारूंगा उसको बीच में मैं तीसरा काम क्या है राधा रानी अपना सखी को बोलती है रजिस्टर ले आ बोले इसके नाम को इसमें चढ़ा दे बोले क्यों बोले ठाकुर का नाम ले रहा है ना अभी सीधा मेरे पास में आएगा किसका किसको पास में जाएगा राधा रानी के पास में भगवान की धाम में जाएगा बोले इतने महत्व है भगवान के नाम जप करने का इतने महत्व है ठीक है ना जब जब करोगे कौन कौन करेगा कौन दिल वाले है हाथ उठाओ दिखता है कौन दिल वाले है दिल वाले कौन कौन है और दिल किसका है ही नहीं हाँ इसलिए सबके सब भगवान की नाम को जप करना ठीक है ना सबके सब हरि नाम करना भगवान की भजन करना देखो तुम्हारे ऊपर ना एक दायित्व देख रही जा रहा हूँ तो हाँ तुम्हारे ऊपर में हाँ ये तुम्हारी पियर है ना ये तुम्हारी पियर है ना तुम्हारी इसलिए तुम इधर आकर के जैसे यहाँ पर माताएं आए सत्संग में आए श्रद्धा तभी तो आए ना है इनके अंदर भक्ति भावना है लेकिन इनको धीरे 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 आगे बढ़ाना ठीक है जितना कथा भगवान की तुम सुनती हो तुम तो बहुत पुरानी हो भगवान की बहुत कथा सुनी ये सब कथा को याद कर लेना ठीक है ये सब कथा को याद करके हमारे जो प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति को जो माया में फंसे हुई अगर एक व्यक्ति को भगवान की कथा सुना करके प्रभु की भजन में लगा दी वो कहते हैं कितने पुण्य देखो वो कहते हैं बोले कोई करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे एक नहीं करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोले करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज खोल दे करोड़ों करोड़ों और नक्षत्र कोई खोल दे उसमें जो पुण्य मिलेगी एक व्यक्ति को अगर आप समझा बुझा करके प्रभु की भजन में लगा दिया तो उससे करोड़ों गुण ज्यादा तुमको पुण्य मिलेगी क्योंकि किसको वस्त्र दे दो कुछ दिन बाद फट जाएगी भोजन कराओ 2-4 घंटा बाद में भूख लगेगी बीमारी सही करो फिर बीमारी पड़ेगा लेकिन जब भगवान की भक्ति में कोई लग जाता है कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन वो मेरे पास में आता है जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि कुछ नहीं अपना घर में वो पहुंच जाता है ठीक है इसलिए अभी तक तुमने जितने कथा सुनी हो इधर आकर के उनको भी कथा सुनाना और जैसे हमारे के विशाखा दीदी नाम सुनियो ऑनलाइन में जूम में क्लास देती हैं वो जूम में अगर जोड़ दोगे ना वो भी गीता की कोर्स करवाते हैं और उनको अच्छी अच्छी
बात बताते हैं, कथा सुनाते, तुम भी धीरे धीरे करो ये काम, ठीक है। ये सब जितने हैं यहाँ पर सबको जानती हो ना, तुम्हारे तो पियर है, तुम सबको जानती हो। अब इनको फोन फोन करके, इनको बुला बुला करके, जूम में जोड़ करके भगवान की कथा सुनाया करना, ठीक है। तुम्हारे ऊपर हम ये दायित्व तो दे करके जा रहे हैं। अब इसको एकदम सिंसियर होकर के, ऐसे नहीं, सिंसियर होकर के इसको तुम क्या करो, ठीक है। और जैसे ये नूपुर दीदी है, ये नूपुर दीदी, हम बताओ आज ये यहाँ पर कैसे आए, ये नूपुर दीदी की वजह से। ये जा जाकर कथा सुनाती थी, हाँ भगवान कथा, आज उन्होंने भागवत कथा हुई, हम आए यहाँ पर। और उन आए तो फिर धीरे धीरे कोशिश कर रही हैं, जैसे यहाँ पर घर घर में जाकर सत्संग हो, कीर्तन हो, भगवान के भजन करे, भक्ति करे, ठीक है। आप लोग भी देखो, अपना बच्चों के अंदर में भी अच्छे संस्कार डालो। मुसलमान आप लोग को पता होगा, हम तो दिल्ली में रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके शुक्रवार को मेन रोड में बैठे करके उनको हाँ कुरान उच्चारण कराते हैं, हैं कुरान। इसलिए देखना मुसलमान, आप किसी भी मुसलमान बच्चे को पूछ लो अपना कुरान बोलो। मैं पहले बोल रहा था ना, मैंने कहीं कथा करने गया था, आ रहा था तो देखा है कि मुसलमान का बच्चा 10 साल का, वो पतंग उड़ा रहा था। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने बोला, जो नाम से बोला पता चला ये मुसलमान है। मैंने कहा तेरे कुरान आती है, वो छाती फुला करके बोला हाँ कुरान आती, बोले बोलो तो झटाझट बोलना शुरू कर दी। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र में सिखाया जाता है, बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी जब बच्चे को 2 साल हो जाए कंपलसरी उसको कुरान पढ़ाते, कुरान पढ़ाते कंपलसरी। किसी बच्चे को पूछ लो कुरान बोलेगा। हम तो दिल्ली उस तरफ प्रचार के लिए जाते हैं, शनिवार शुक्रवार के दिन हम सोच नहीं सकते, उनकी लाइन लग जाती है रास्ता ही, मुसलमान मुसलमान मेन रोड को जाम कर देते हैं। हमारे हिंदू बच्चे को किसको पूछो, गीता का कोई श्लोक, रामायण का कोई चौपाई कोई बोल सकता है? सारे हीरो हीरोइन का नाम को याद करके बैठे हुए। इस देखो इसलिए ना हमारे धर्म की इतने दुर्गति क्यों हो रही है। अब देखना मुसलमान में अपना धर्म का प्रति इतने क्यों, क्योंकि बचपन में अभी हम गए थे जम्मू कथा करने के लिए, जहाँ कथा कर रहे थे पास में था मस्जिद, सवेरे 5 बजे ऐसे ऐसे बच्चों का चिल्ला चिल्ला कर कुरान पढ़ रहे थे 5 बजे सवेरे, सब मुसलमान बच्चे अपना बच्चों को ले आते थे। इसलिए बचपन में बच्चे को जो संस्कार डालो ना, वो संस्कार बड़ा दृढ़ संस्कार बनता है, बड़ी दृढ़ संस्कार बनती है। एक व्यक्ति हमारे गुरुजी के पास में आए, बोले गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते, अब भी अच्छे तरह से ध्यान से सुनो। गुरुजी को बोले बच्चे बात नहीं सुनते हैं, गुरुजी बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले कहाँ पर बताया गया जे पिता माता की सेवा करनी चाहिए, बोले रामायण में बताया, भगवान राम सवेरे उठ करके प्रात उठ आई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता, रामायण देखे कि नहीं देखे हो? दशरथ महाराज जब सैन्य किए हुए स्वयं राम जाकर चरण की सेवा कर रहे। अब बताओ कौन हिंदू पिता माता सोते समय जाकर चरण सेवा करता है? लेकिन स्मार्टफोन पकड़ा देते 10-20 हजार रुपया बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ाते, लेकिन गीता रामायण कभी नहीं पढ़ते। पिता माता खुद ना लाएगी, भजन भजन से कोई मतलब नहीं उसकी, खुद रामायण गीता पढ़ते नहीं, स्मार्टफोन लेकर पिता माता बैठे हुए, बच्चे को संस्कार कहाँ से पढ़ेगा? ये गुरु जी हमारे कहा करते थे। इसलिए अगर चाहते हो घर तुम्हारी अयोध्या बने, राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, बच्चे जैसे लवकुश जैसे हो, चाहते हो क्या करो, गीता रामायण पढ़ो, पहले खुद भजन करो, हरिनाम करो। किंतु पहला गुरु माँ है। कौन है पहला गुरु? माँ है। सबसे पहले संस्कार माँ किस पढ़ती है, माँ जो करेगी बच्चा वही करना शुरू कर देता है। अब देखो माला लेकर भजन करो, बच्चा देखेगा मैया क्या कर रही है, बच्चा स्वभाव है ना, वो तो संस्कार पड़ेगा। फिर माँ सवेरे सवेरे माला जप करती थी, रामायण पढ़ती थी। खुद अगर नहीं करोगे बच्चों को संस्कार कहाँ से पड़ेगा, हम नहीं पढ़ सकती है, ठीक है ना। क्या करना है? हरिनाम करना। अब सबको एक एक माला में दे दूंगा, ठीक है, एक एक माला ले लेना, हरिनाम करना, और बच्चों को जिस बच्चों का देख लेना जिसका पढ़ाई सही नहीं होता है ना, आपको एक माला जप करना, देखना अपनी आप दिमाग में ब्रेन में तेज अपनी आप आएगा, बुद्धि देने वाला तो ठाकुर जी है, ठीक है। इसलिए दिल वाला सब हरिनाम करेंगे, ठीक है। अब सबको एक एक में माला दे कर जाऊंगा, खुद भी करना और क्या करना, बच्चों को बोलना बच्चों एक माला जप करो, ठीक है। 10 मिनट ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा। एक बच्चे को घर में नियम बनाओ, जब तक तुम माला नहीं करो खाना नहीं मिलेगा, ये नियम बनाओ। अब बोलोगे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, जोर जबरदस्ती स्कूल भेज रहे कि नहीं, जोर जबरदस्ती कांधे में इतना सारे बुक लेकर के बच्चा कहाँ बिगड़ता है, स्कूल कॉलेज में बिगड़ता है जाकर के, उल्टा पुल्टा संगत में, घर में कोई नहीं बिगड़ते हैं।
जब बच्चा वही बच्चा ज्यादा लिखा बड़ा हो जाए ना, लिख जाए ना, मैया पितामा तो तू गवार, तू क्या जानती हो, हम इतने सीए किया, डिग्री किया, इंजीनियरिंग किया। लेकिन अगर बचपन में संस्कार डालोगे ना, वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छुएगा। रामायण में तो यही शिक्षा दिया ना, भगवान कितने साल के लिए वनवास गए थे, जोर से बोलो, 14 साल के लिए भगवान वनवास। किस लिए गए थे, पिता की आदेश पालन। अभी तुम्हारी बच्चे को बोलो तो 14 दिन के लिए मेरे आदेश पालन करने के लिए कहीं जा, बोलो जाएगा, वो हनीमून बना, हनीमून बनाने के लिए 14 दिन के लिए जा सकता है, लेकिन पिता माता की सेवा के लिए नहीं जाएगा। ये गुरु जी कहते थे हमारी, कारण क्या है, हम स्वयं रामायण पढ़ते नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते, इसलिए ये दुर्गति हमारी। अगर रामायण गीता पढ़ाए ना, तुम्हारे घर में ये चीज नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में देखो इनका परिवार, देखो जो बच्चा है, इनका जो दामाद है, देखो जो बच्चा है दामाद, देखो अच्छा नौकरी करता है, बढ़िया नौकरी करता है कंपनी में, लेकिन देखो तिलक लगाए, गले में कंठी। इनके इनको जो पिताजी थे, ये थे चार भाई है, ये हमारे मंदिर में जुड़े हुए चार के चार भाई भजन करने वाले, उनको जो बच्चे हुए, इस बच्चे हुए, सारे बच्चे को देखो गले में कंठी माला तिलक। केवल इनके ये नहीं, इनके जो बच्चे देखो, इनके बच्चे कौन है, देखो तिलक लगाए ना, बच्चों को तिलक लगा, गले में कंठी पहने हैं। उनकी बहू को देखो, यहाँ की बेटी को देखो, कहाँ संस्कार बड़ी। आज हम यहाँ पर कैसे आए, इनकी वजह से आए हैं। अगर आप भी भजन करोगे हैं, आपका घर भगवान का धाम बन जाएगा, अयोध्या बन जाएगा, गोलोक वृंदावन बन जाएगा। घर में गंदी चीज नहीं आएगी घर में, हैं, घर में जिस घर में बच्चे परिवार भजन करे वही वृंदावन धाम ही है, वही वृंदावन धाम वही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जब तक ये बच्चे एक एक माला नहीं करे, इनको भजन नहीं देने का। बेटा एक माला करो, 10 मिनट लगेगा, है 10 मिनट लगेगा, ठीक है बच्चों, हाँ 10 मिनट लगेगा एक माला जब करो, पर जाओ दिन भर अपना पढ़ाई करो, अपना घर का सारे काम करो, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। आप सबको एक एक माला दूंगा, ठीक है, हाँ। तो देखो हो सकता है आप लोगों ने एकादशी व्रत करना, ठीक है, एकादशी करते हो, कौन कौन करते हो, हाथ उठाओ तो, हाँ आप लोग एकादशी करती हो कभी कभी, कोशिश करना, देखो, हाँ देखो, एक मिनट सुन लो एकादशी कथा। जो एकादशी है ना, इसको अच्छे तरह से सुनो, जो एकादशी है ये व्रत को बताया, ये कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु व्रत मतलब होता है एकादशी करके जो मांगो, कल्पतरु मतलब जो मांगो वही मिल जाएगा। अगर आपके घर में कहीं एकादशी पुस्तक हो कि पढ़ कर देख लेना, 15 दिन में एक बार एक एकादशी आती है, कोई सोम, कोई मंगल, कोई बुध, अलग अलग व्रत रखती होगी, उसका एक ही पहले। अब स्वयं एकादशी ग्रंथ पढ़कर देखना, एक का नाम पुत्रदा, पहले नंद बाबा के घर में बेटे नहीं थे, लेकिन ये पुत्रदा एकादशी करके ही कृष्ण जन्म हुई। जिसका संतान नहीं, अगर पुत्रदा एकादशी करेगा तो पुत्र आएगा। एक का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिस घर में पैसा की कमी है, कहते वो एकादशी कर तो घर में पैसा आती है, इसलिए उसका नाम इंदिरा। एक एकादशी का नाम है अर्णदा, जिसके घर में अर्ण सस्य का अभाव है, कहते वो एकादशी करो, देखना अर्ण सस्य आएगा। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से तुम्हारी कोई पराजय नहीं होगी, जहां जाओगे तुम्हारी विजय होगी। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, मतलब जिसको करने से संसार से तुमको मुक्ति मिलेगी, हैं? इसलिए आप देखना, एक का नाम है पाप मोचनी, जो एकादशी करने से जीवन का तुम्हारे सारे पाप को नष्ट हो जाएगा। आप स्वयं देख लेना, एक चीज देख निरख करके देखना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत साल से बिस्तर में पड़ा हुआ, प्राण छूट नहीं रहा है, बड़ी कष्ट पा रहा है, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, किस कैसे इनकी सदगति होगी, अब देखना क्या बोलता है। बोलेगा कोई एकादशी व्रत कर इसको फल दे सकते हो, कोई व्रत के नाम नहीं बताएगा। बोले कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हो, देना एकादशी व्रत फल देते ही ना सारे पाप खत्म हो जाएगी। मैं विदेश गया था, यूरोप विदेश जाता हूँ प्रचार करने के लिए, जब गया एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, प्राण नहीं जा रहा था, गला में प्राण अटक गया था उसकी, बड़ी कष्ट भोग कर रहा था, परिवार दुखी दुखी। जब पता चला भारत से कोई संत आए, मेरे को बुलाकर हॉस्पिटल ले गए, बोले बाबा हमारे पिताजी की बड़ी दुर्गति, 2 साल से पड़े हुए शरीर में केवल हड्डी हड्डी, इनकी मृत्यु नहीं हो रही है, अब उपाय बोलो। मैंने कहा एक काम करोगे आप लोग, सबके सब परिवार एकादशी व्रत करके उनको फल देना। बोले 10 दिन बाकी अभी है, 10 दिन बाकी है। मैंने कहा संकल्प कर लो हम सबके सब एकादशी व्रत करके इनको फल देंगे। सबका हाथ मैंने पानी फूल दिया, बोले मंत्र पढ़ा, बोले ये हम एकादशी व्रत करके फल देंगे। जब उन्होंने ये किया ना, मैं जब
घर में आए, केवल मैंने जिनके घर में रुके हुए थे, जब उनको घर में आए ना, उनकी फोन आया, बोले प्रभु बाबा इनकी सदगति होगी, मुक्ति होगी इसकी। इतने महिमा ये एकादशी की। इसलिए भागवत में पढ़ करके देखो, कोई व्रत का नाम नहीं, कोई सोम नहीं, कोई मंगल, कुछ व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी का कथा भागवत में, एकादशी की कथा आती है। लेकिन कोई सोचते हैं नहीं विधवा करती है, सधवा नहीं करती, नहीं। आप भागवत पढ़ करके देखो, ये माँ जसोदा खुद करती थी, हैं, अम्बरीश महाराज खुद करते थे, रुक्मिणी सत्यभामा खुद की। सबसे बड़ी एकादशी बताओ तो कौन सी एकादशी सबसे बड़ी? पांडवा निर्जला, जिसको स्वयं द्रौपदी पंच पांडवों साथ में रखती थी। कोई कोई फिर सोचते हैं नहीं, फिर उसका उद्यापना करना पड़ जाता है, नहीं, हमारे भक्ति जगत में कोई उद्यापना की बात नहीं है। जितना दीन समर्थ अपना समर्थ से रखो, जब नहीं हो पाया छोड़ दो, कोई बात नहीं इसमें, लेकिन कोशिश करो जहां तक हो सकता है हो सके। आप पुराणों को पढ़ करके देखो, दो पति पत्नी थी, लड़ाई हो गई एकादशी का दिन, पता नहीं था आज एकादशी। अब देखना घर में पति पत्नी लड़ाई हो जाए ना, दो तीन दिन तक एकादशी व्रत रखती है, हैं उस समय, इसलिए लड़ाई होगी, पता नहीं था एकादशी व्रत। उन्होंने एकादशी व्रत किया ना, अगले जीवन में राजा रानी बनकर जन्म हुए, ये रुक्मांगद महाराज बनकर जन्म हुए। अनजान में भी एक एकादशी हो जाए तो उसके इतने फल है, और जान बुझ कर करोगे तो सोच नहीं सकते कितने फल है, ठीक है ना। कोशिश करना एकादशी व्रत रखने के लिए, क्योंकि एकादशी का दिन अरण्य में समस्त पाप रहते हैं, गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, सब पाप रहते हैं। एकादशी दिन अरण्य भोजन करने से पाप लगता है, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब लोगों को एक एक माला दूंगा, ठीक है। कौन कौन लेगा, कौन कौन लेगा, हाथ उठाओ, जो लेगा हम उसको देंगे, ठीक है। हाँ, उसको माला को लेकर के ना, जैसे माला को लेकर के, जैसे करना माला को, ठीक है। हाँ, माला को लेकर के जैसे ले लिया, बाबा ने दिया, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ जैसे भोजन से पहले कुछ माला करके, फिर दिन भर अपना काम करो, कोई बात नहीं, दिन भर अपना काम करते रहना, ठीक है। देखो मैं हाँ, जाऊंगी इधर की साइड, कभी किसी को कीर्तन कराना हो मैं इधर हूँगी, मुझे बता देना, किसी को बुला। हाँ, जैसे कभी कभी, कभी कभी इनको कभी कभी बुला देना, माता जी यहाँ आएगी, आप लोग सब बुला लेगी, बुला करके फिर आप लोगों को फिर कीर्तन कराएगी। माला है माला दे दो तो। हाँ, एक भजन गा लो श्याम। हाँ देखो, ये माला में कोई नियम नहीं है, कोई पवित्र अपवित्र तरह कोई नियम नहीं। जैसे बिस्तरा में बैठे हो, सवेरे तुम्हारी नींद खुल गई, आप बिस्तरा में बैठ करके भी नाम कर सकते हो, उसमें कोई नियम नहीं। जैसे माताएं कभी अपवित्र होती हैं, बोले नहीं माला नहीं कर सकते, नहीं, भगवान का नाम लेने से, कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान के नाम के लिए कोई इसमें पाबंदी, कोई नियम नहीं, कभी जब भी आप माला को कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना जैसे भोजन करने से पहले एक दो माला कर लेना, फिर दिन में जब जब तुम्हारी समय होगी अपना, आप खुद लिख लेना, जब भगवान का नाम लोगे, कितना करते हो तुम कन्या मेरा, बोलो नाम हो रहा है, भगवान का नाम लेने से भगवान के आशीर्वाद सब बढ़िया चलता है, जब भगवान का नाम लोगे। इसलिए इसमें कोई नियम नहीं, आप भोजन करने से पहले एक दो माला कर लेना, और दिन में जब जब तुम्हारी समय होएगी तब तक भगवान के नाम को कर सकता हो। हाँ देखो, ये आपको जो माला दे रहा हूँ, इधर देखो, ये जो माला दे रहा हूँ ये तुलसी माला नहीं, ये नीम की माला है, आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए माला दे रहे हैं। लेकिन जब आप इसको सही सही करने लग जाएंगे, हम देखेंगे नहीं माला आप कर रहे हो, फिर हम तुलसी माला देते हैं, गले में भी तुलसी कंठी देते हैं, तभी देते हैं जब आपने सही सही माला करोगे, और प्याज लहसुन को जो छोड़ दोगे तभी हम तुलसी माला देंगे। अभी ये माला में ये नीम की माला है, इसलिए आप लेकर के आप भी करो, बच्चों को भी कराना, कोशिश करना बच्चों को घर में एक माला कम से कम बच्चों को कोशिश करना कराने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप करोगे तो बच्चे आपको देख कर करेंगे, आप खुद नहीं करोगे तो बच्चे कहाँ से करेगा, इसलिए खुद करोगे तो देख करके बच्चा सीखते है ना, ठीक है ना, खुद करना, और बच्चे को भी बोला बच्चे तू एक माला करके अपने स्कूल करके जाओ, ठीक है। बाबा इधर आओ, कौन लेगा, कौन लेगा, इधर आ जाओ, अब आओ। हाँ करेंगे माला, नहीं पत्नी है आपकी, यहाँ कौन है, तुम इधर आओ, तुम ले लेना एक माला लेना, दोनों मिलकर करना, ठीक है। हाँ इसलिए ये मत समझो बाबा जोर जबरदस्त दे रहे, नहीं, अब कल्याण के लिए हम दे रहे, ठीक है ना। हाँ माता जी।